ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स है अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो। बट अभी तो हमारे पास बहुत कम चीजें होंगी पढ़ने के लिए। परम्यूटेशन इस बार कट भी तो हो गया सिलेबस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। सर हमारे डिलीटेड चैप्टर्स भी आ रहे हैं पेपर में। ओके ओके, चलो फिर सबसे पहले तो ये समझते हैं परम्यूटेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, और क्यों यूज होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर काउंटिंग, और ये काउंटिंग को बहुत इजी बना देता है, बहुत छोटी काउंटिंग कर देता है। समझते हैं अभी कैसे करते हैं काउंटिंग। बट सबसे पहले ये जो दो चीजें लिखी हुई है इनका क्या मतलब है। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट्स। इफ यू वॉन्ट टू अरेंज समथिंग, सम ऑब्जेक्ट्स ऑन सम सीट्स, तो वी विल यूज परम्यूटेशन। And if you want to select some objects out of a number of objects, तो उसमें हम use करेंगे combinations। जैसे suppose मैं एक छोटा सा बहुत example लेता हूँ। अब example क्या कह रहा है? तो example कह रहा है कि आपको तीन लोग दिए गए हैं, sorry तीन seats हैं, ये first seat है, ये second seat है, और ये third seat है, ठीक है? और आपको इस पे तीन लोगों को अरेंज करना है, मतलब आप तीन लोग हैं ए बी सी, और वो तीन लोग इन तीन सीट्स पे बैठना चाहते हैं। तो देयर हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच द थ्री पर्सन कैन बी सीटेड ऑन थ्री सीट्स, एक तरीके का क्वेश्चन ये हुआ। फिर एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास दो सीट्स हैं, सपोज फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड वी हैव थ्री पर्सन ए बी एंड सी, एंड वी वॉन्ट टू या फिर चलो छोड़ो ऐसे नहीं लेते हैं। वी हैव थ्री पर्सन ए बी सी एंड वी वॉन्ट टू मेक अ कमेटी ऑफ टू पीपल, टू पर्सन, तो कितने वेज होंगे या कितनी कमेटी ऐसी अलग अलग बन सकती हैं? चलो पहले इसे बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के करते हैं एक बार, ऐसे ही करते हैं सॉल्व, उसके बाद हम इसे देखेंगे कैसे हम पीएनसी लगा सकते हैं यहाँ पे, या कैसे इसी कैलकुलेशन को हम छोटा कर सकते थे। तो सपोज हमें तीन लोग इस पे बैठाने एबीसी, तीन सीट है हमारे पास, तो कैसे कैसे बैठ सकते हैं आ जाओ देखते हैं। या तो ए फर्स्ट पे आए, बी सेकंड पे आए, सी थर्ड पे आए, या फिर ए फर्स्ट पे रहे, सी सेकंड वाली सीट पे बैठ जाए और बी थर्ड वाली सीट पे बैठ जाए, या फिर यहां पे बी आए। तो बेसिकली देखो मैं करता क्या जा रहा हूं, मैं इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स लेता जा रहा हूं, जितने भी पॉसिबल तरीके से मैं एबीसी को बैठा सकता हूं वो सारे मैं काउंट करूंगा। और जब मैं काउंट करूंगा तो देर विल ओनली बी सिक्स पॉसिबल वेज इन विच आई कैन मेक देम सिट ऑन थ्री सीट्स, या तो एबीसी या एसीबी। तो पहली सीट पे पहले मैंने ए को फिक्स कर दिया, बी और सी को मैंने एक्सचेंज कर लिया, उसके बाद मैंने पहली सीट पे बी को फिक्स कर दिया, ए और सी को एक्सचेंज कर लिया आपस में, फिर वैसे ही मैंने पहली सीट पे सी को फिक्स कर दिया और ए और बी को एक्सचेंज कर लिया आपस में सेकेंड और थर्ड सीट के लिए, राइट? एक तरीका, देर आर टोटल सिक्स वेज जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। चलो यहाँ पे तो बड़ा इजी था ये काम, क्योंकि तीन ही लोग थे, तीन ही सीट्स थी। बट जस्ट इमेजिन कि अगर मैं 100 सीट्स देता एंड आई हैव पुट 100 पीपल कि भाई अब आप इसे अरेंज करो, तो कितना टाइम लग रहा होता हमें इस अरेंजमेंट में, राइट? यस सर। दूसरी बात, अब ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जरा, कि हमें बनाना है एबीसी, हमारे पास तीन लोग थे एंड वी हैव टू फॉर्म अ कमेटी ऑफ टू पर्सन, तो हम किस किस तरीके से कमेटी बना सकते हैं। या तो उस कमेटी के अंदर ए और बी आ जाए, या उस कमेटी के अंदर ए और सी आ जाए, या उस कमेटी के अंदर बी और सी आ जाए। तो देयर विल बी थ्री वेज कि हम तीन पर्संस में से कमेटी ऑफ टू पर्संस बना दें। ये भी यहां पे बहुत आसान था क्योंकि हमने कैलकुलेट करके देख लिया डायरेक्टली ऐसी। बट जस्ट इमेजिन कि अगर यही चीज हमें कमेटी बनानी होती 100 पीपल की एंड वी हैव 500 पीपल और उसके बाद हम ये कमेटी बना रहे होते, तो ऑब्वियसली उस केस में हमारे पास ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती। इन्हीं सारी कैलकुलेशंस को छोटा करने के लिए वी यूज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड फॉर काउंटिंग केसेस, अगर हमें काउंट करने होते हैं बहुत ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ केसेस होते हैं तो उसे काउंट करने के लिए हम पीएनसी यूज करते हैं। अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम इसकी थोड़ी सी टेक्निकल टर्म डिस्कस करते हैं, हमें यहां पे क्या क्या पता होना चाहिए। एक चीज हमें सबसे इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए विच इज फैक्टोरियल। तो पहले फैक्टोरियल पढ़ते हैं, उसके बाद अपन वापस इस पे आएंगे
कि क्या हमें पीएनसी में किस तरीके से लगाना है, परमिटेशंस किस तरीके से करने, यानी कि हाउ टू मेक अरेंजमेंट्स एंड हाउ टू सेलेक्ट पीपल या हाउ टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। चलो उससे पहले अगर हम पढ़े फैक्टोरियल, तो सपोज कोई एन है हमारे पास और एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या तुम मेरे को बता सकते हो एन क्या क्या वैल्यूज ले सकता है अगर एन नॉन नेगेटिव इंटीजर है? एन कोई वैल्यू 1 2 3 4 राइट। बट बच्चे नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इज नॉट नेगेटिव राइट। यस सर। अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो इज अ न्यूट्रल इंटीजर। एक बहुत छोटा सा डिफरेंस तुम्हें समझना है कि अगर हमसे यहाँ पे बोले जाता है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर काउंट होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। बट अगर हमसे बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो उसमें हमारे पास काउंट जीरो भी होगा क्योंकि जीरो इज अ न्यूट्रल इंटीजर, जीरो इज नॉट नेगेटिव वैसे तो जीरो न्यूट्रल इंटीजर होता है ना, जीरो पॉजिटिव है ना जीरो नेगेटिव है। बट अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा तो वी विल काउंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड इफ वी आर आस्क नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो हम बोलेंगे 0 1 2 3 4 राइट। यस सर। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बता सकते हो मेरे को इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए? ट्राई टू फाइंड आउट नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा फर्स्ट टेल मी नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? -1 -2 -3 and up to -infinity। बस नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, जीरो और ऐड हो जाएगा उसके साथ, जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर मुझसे पूछा जाता है तो he or she wants to ask कि भाई आप पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं लेंगे, उसके अलावा जो भी इंटीजर्स है सब ले लो। तो आप जीरो भी लोगे क्योंकि जीरो इज अ न्यूट्रल इंटीजर, और उसके अलावा -1 -2 -3 तो सारे होंगे। तो अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की हमसे बात करेगी तो 0 -1 -2 एंड सो ऑन। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है ओके। तो अगर हमारे पास कोई एन नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो इसका मतलब हुआ एन कैन टेक वैल्यूज 0 1 2 3 राइट एग्जैक्टली। तो अगर n हमारे पास कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कंटिन्यूड प्रोडक्ट से क्या मतलब है अभी देखते हैं, आ जाओ पहले फटाफट से हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड यानी कि चलता रहे, प्रोडक्ट तो पता ही है मल्टीप्लीकेशन। देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स is called factorial n. सॉरी अभी यहां पर हमें नॉन नेगेटिव यूज नहीं करना चाहिए वर्ड, वी शुड यूज पॉजिटिव इंटीजर। क्यों ये अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं, हमने ऐसे क्यों करा और पहले हमने नॉन नेगेटिव क्यों लिखा था ये भी हम थोड़ी देर में समझेंगे अभी दोनों चीजें। Then the continued product of first and natural numbers is called factorial n. तो ये जो बात लिखी गई है इसका ये मतलब है कि अगर आप और it is denoted by, पहले ये लिखी लेते हैं चलो, it is denoted by, दो तीन तरीके से हम denote कर सकते हैं factorial को, n factorial या फिर इस तरीके से n factorial, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बात का, इसका मतलब ये है if you want to find 4 factorial तो 4 factorial इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 natural numbers। मतलब पहले जो 4 natural numbers ले लें तो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ 4 factorial विच विल कम आउट 24। उसी तरीके से अगर हमें कोई भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आपको 1 से लेके उस नेचुरल नंबर्स तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है।
तो हम फटाफट से देख लेते हैं भाई हमारे पास कौन कौन से फैक्टोरियल हमें याद होने चाहिए। वन फैक्टोरियल तो एक ही है सिर्फ सिंगल, वन। टू फैक्टोरियल मतलब वन इंटू टू, यानी कि वैल्यू हुई टू। थ्री फैक्टोरियल यानी कि वन इंटू टू इंटू थ्री, दैट वुड बी सिक्स। फोर फैक्टोरियल वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 24, एंड सिमिलरली सो ऑन। कैन यू फाइंड आउट फाइव फैक्टोरियल? One into two into three into four into five. Okay. And can we write it as? अच्छा एक और तरीका दे कि five into four into three into two into one यहाँ तक जाने? Can I write it as five into four factorial? Yes. Because four factorial eventually will be one into two into three into four, and in five factorial we will be having one two three four all the terms. So we can write 5 factorial as 5 into 4 factorial, and which will be 4 factorial. I have written it down because 4 factorial we have already calculated. So agar hum 4 factorial nikal chuke hain, so we should use that in calculating 5 factorial. And this would be 5 into 24, which will be 120. और एक और फैक्टोरियल हमें याद होना चाहिए, 6 फैक्टोरियल तक हमें ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, बिकॉज दैट वुड हेल्प यू इन एग्जाम। उसके बाद वाले फैक्टोरियल जरूरी नहीं है, याद ही कर जाए। तो इट कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, विच वुड बी 120 इंटू 6, विच वुड बी 720। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी भी हमने इससे सीखी है, ये तो हमने सीखा ही कि फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करना है। फैक्टोरियल इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, एन फैक्टोरियल, इनफैक्ट एन फैक्टोरियल इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर इसलिए लिखा बच्चे क्योंकि आपको ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट के बारे में बताना था। तो वन से स्टार्ट करते हैं इसको, वन से करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई नेचुरल नंबर्स हम लिख रहे हैं। वन फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो वन इंटू वन, टू फैक्टोरियल वन इंटू वन, क्या वन ही आएगा, रहा बस अकेला। 2 factorial हुआ 1 into 2, 3 factorial हुआ 1 into 2 into 3, वैसे ही 4 factorial 1 into 2 into 3 into 4, calculate करने पे इनकी values आ गई कुछ, जो भी आई है। और इसी के साथ साथ हमने ये important property सीखी कि अगर हम n factorial को define करें तो we can write it as 1 into 2 into 3 up to n। किसी भी नेचुरल नंबर का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, वन से स्टार्ट करिए, उसी नेचुरल नंबर तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ले लीजिए। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अभी हमने सीखी, इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि एन से मल्टीप्लाई कर दो, अगर उसमें से एक नंबर घटा के उसका फैक्टोरियल लिखा जाए और उसकी मल्टीप्लिकेशन n से कर दे तो वह n फैक्टोरियल आएगा। अब आप यहां पे कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हो, सपोज हमने अभी ये देखा था 5 फैक्टोरियल को, वी कैन राइट इट एज 5 into 4 फैक्टोरियल, तो पुट n इज इक्वल्स टू 5 इन दिस इक्वेशन। जब हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो दिस वुड बी 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 into 5 minus 1 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल। कोई और वैल्यू पुट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, n की वैल्यू 10 पुट कर दो, 12, 13, 14, 100, whatever, जो पुट करना चाहते हैं। This will be true for every n, where n is natural number. Factorial clear हुआ बच्चा? Yes sir. ठीक है। बस इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे जो non negative integer लिखा था वो इसलिए लिखा था कि आप n की value अगर 0 ले रहे हैं तो 0 factorial is also defined. 0 factorial की भी खुद में value होती है। जीरो फैक्टोरियल इज वन, ये ध्यान रखना है। जीरो फैक्टोरियल इज वन, एंड वाई जीरो फैक्टोरियल इज वन ये अभी हम समझेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते ही, बस और अगले 5-7 मिनट में हम ये भी समझेंगे कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन क्यों ली गई। चलिए फैक्टोरियल अब हमने सीख लिया, तो सबसे पहले तो थोड़ी सी बेसिक चीजें कैलकुलेट करते हैं और वापस से हम इन सारे क्वेश्चंस पे जो भी हम करके गए हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस हमें करने हैं इसमें शुरुआत में। तो
यहां से तुम्हारा एक नंबर का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है जिसमें तुमसे फैक्टोरियल की वैल्यू सॉल्व करा सकते हो। तो पहले बेसिक बेसिक चीजें एक दो सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करिए, कंप्यूट। पहला क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, देन सेकंड इज 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29 फैक्टोरियल, थर्ड इज LCM ऑफ 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल एंड फोर्थ इज HCF ऑफ 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल। तो पहले 8 फैक्टोरियल को ऊपर, अगर हम लिखेंगे एक्सपैंड करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो सेकंड का आंसर बता। चल पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है सेकंड में, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है हमें सेकंड में। ध्यान से देख आंसर बता मेरे को फटाफट। 30 एग्जैक्टली। अब जरा थर्ड पे चलते हैं। आज थर्ड बता मेरे को, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है वैसे? लीस्ट कॉमन फैक्टर। एफ कहां से आया? ये एम की बजाय एफ बना दिया तूने। लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल? कॉमन मल्टीपल, यस। एंड दिस इज एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मैं तेरे को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? याद होगा तेरे को सब, मैं ये नहीं कह रहा, बट एक बार मेरे तरीके से समझ इस बात को। एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है कि भाई एलसीएम है कि अगर ऐसी वैल्यू जो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाए, 4 फैक्टोरियल भी जिसको डिवाइड कर दे और 6 फैक्टोरियल भी जिसको डिवाइड कर दे, एक ऐसी वैल्यू जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, छोटी से छोटी होनी चाहिए, छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे देख 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। और अगर सिर्फ सीएम की बात करूं तो सीएम मतलब है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो इसके बहुत सारे होंगे, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, ये सब कॉमन मल्टीपल है। बट एलसीएम दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 है, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। सही बात है? यस सर। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर एलसीएम की हम बात करें, तो एलसीएम हमेशा जो दोनों नंबर्स होते हैं ना उनसे बड़ा होगा, या किस जो भी उसमें से बड़ा नंबर हो सकता है उसके बराबर हो सकता है। मतलब सपोज अगर मैं 2 और 6 का एलसीएम निकाल रहा होता तो एलसीएम आ जाता खुद में 6। एलसीएम दोनों नंबर से या तो हमेशा बड़ा होगा या उसमें से जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल हो सकता है। समझ आई तुझे मेरी बात जो मैंने बोली अभी? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें बता मेरे को एलसीएम क्या होगा? सर 12 होगा 3, 4, 6 का, तो ये 12 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब ऐसे इस बात को दोबारा समझ मेरे साथ। तूने जो लॉजिक लगाया बिल्कुल सही लगाया कि 3, 4, 6 का तो 12 होगा, बट 12 फैक्टोरियल नहीं होगा इसका एलसीएम। 3 फैक्टोरियल क्या है? 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल इज 4 × 3 फैक्टोरियल, राइट? तो 4 फैक्टोरियल इन इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल, मानती है कि नहीं? यस सर। अब आप बात करते हैं 6 फैक्टोरियल की। 6 फैक्टोरियल इन इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल, ये देख। तो 6 फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर है जो 3 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है, 4 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है,
और 6 फैक्टोरियल तो खुद से 6 फैक्टोरियल से तो डिविजिबल है, तो एलसीएम क्या होना चाहिए बता मेरे को, 6 फैक्टोरियल होना चाहिए, क्योंकि 6 फैक्टोरियल खुद में ही 3 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है, 4 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है, और 6 फैक्टोरियल तो खुद से डिविजिबल है भाई। अगर मैं निकाल रहा होता 2, 3, 6 का एलसीएम तो हमने क्या बोलना था, 6 ही बोलना था, क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 6 से तो है। वैसा ही केस कुछ कुछ ये भी है, समझ आई बात के नहीं बच्चा, कोई भी डाउट है मुझसे पूछ ले, आई सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की एक बारी बात करते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा ये था यहां पे बताने का कि एलसीएम हमेशा, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर्स, एलसीएम ऑफ ए बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द मैक्सिमम ऑफ ए बी सी, जो भी ए बी सी में से बड़ा होगा उसके, उससे एलसीएम या तो बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, क्योंकि ये तो मल्टीपल है, मल्टीपल तो बड़े ही होते हैं हमेशा, फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, जैसे मैंने तुझे एलसीएम समझाया और मैंने तुझे यहां पे बताया कि देख एलसीएम में 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल था एंड 4 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल था, तो इसलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 6 फैक्टोरियल हो गया। वैसे ही मेरे को बता व्हाट शुड बी द एचसीएफ ऑफ 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, इस बार तीनों वैल्यूज को डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर, ये देख यहीं पे देख, 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल भी डिवाइड कर रहा है, 5 फैक्टोरियल को भी 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है, और 2 फैक्टोरियल तो खुद में 2 फैक्टोरियल को डिवाइड कर ही रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा वो 2 फैक्टोरियल ही होगा, नहीं आई बात समझ? नहीं आई सर। कन्वेंशनल तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर ऐसे समझना है तो हमें, बट कन्वेंशनल तरीके से हम फंस जाएंगे ऐसे, क्योंकि 10 फैक्टोरियल मैंने बहुत बड़ी वैल्यू दे दी। तो सपोज अगर हम इसे निकाल रहे होते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि अभी मैंने 2 और 6 का एलसीएम बताया था, अभी 2 और 6 का एचसीएफ देखते हैं। तो 2 और 6 का एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो 2 और 6 दोनों को डिवाइड कर दे, क्या होना चाहिए 2 और 6 का एचसीएफ? 2 2, 6 और 12 का HCF क्या होना चाहिए? 2 सही बात है। कैसे पता चला तेरे को? क्योंकि 2 से 6 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से 12 भी डिवाइड, 2 से 12 है ना। अब यहां पे आ जाए दोबारा देख, यही यही एप्लीकेशन बस यहां पे लगानी है हमें। 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू जो भी आए, पर 2 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो डिवाइड हो ही रहा है, ये देख। बट सर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल होगी, पर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल होगी, बिल्कुल राइट, दैट्स अ राइट क्वेश्चन, बट कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। ये देख, अगर मैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखूंगा तो मैं इसे 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 5 * 4 * 3 * 2 फैक्टोरियल, यस सर, और 2 फैक्टोरियल नीचे भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी देख 60, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। वैसे ही अगर 10 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, यस सर, सही समझ आई बात? यस सर, ठीक है। तो एचसीएफ फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी होना चाहिए हमारे पास 2 फैक्टोरियल, बिकॉज़ दैट कैन डिवाइड 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एज वेल एज 10 फैक्टोरियल। चलो ठीक है, नोट कर लिया है ये सारा, कर ले जैसे मेरे को कर ले बता दियो। कर लिया सर। ठीक है,
चलो एक तरीके का क्वेश्चन हो जो यहाँ पे आ सकता है, विच इज कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल्स, इन्हें हमें फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है एंड द प्रोडक्ट गिवन इज 6, 7, 8 × 9 कैसे हम इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? चलो मेरे साथ देखो, पहले पहला क्वेश्चन है तो हम इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए, अब यार फैक्टोरियल तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके जिस नंबर तक भी आपको लिखना है, जिसका भी फैक्टोरियल लिख रहे हो आप, उस नंबर तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ले लो। हमने कहा यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो भाई सिर्फ 6 से स्टार्ट हुआ नंबर, तो हम अपनी तरफ से ये कर देते हैं जरा इसके साथ। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 6 × 7 × 8 × 9 और हमने अपनी तरफ से ये ऐड कर दिया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ये टर्म पूरी हमारी तरफ से एक्स्ट्रा गई है। अगर हमने ये एक्स्ट्रा न्यूमरेटर में दी तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक दैट इन डिनोमिनेटर एज वेल। अब देख ये चीज इसी के इक्वल है क्योंकि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 विल कैंसिल आउट 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इन द न्यूमरेटर। सही बात है। और अब ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर को वी कैन राइट इट एज 5 फैक्टोरियल। इंटरेस्टिंग पार्ट है पीएनसी से, अभी तो हमने थोड़ी कैलकुलेशन वैल्यूएशन में कर रहे हैं वरना इससे क्वेश्चन आते हैं एकदम बढ़िया, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और मैं तुझे एक बात भी बताऊंगा इससे रिलेटेड बड़ी इम्पोर्टेंट। मैंने एक बार ही मेरा ना ये जो फोन में लॉक होता है पैटर्न लॉक लगा हुआ था और वो मेरे से फंस गया, मैं भूल गया पैटर्न लॉक। एक तो सेंसर आने के बाद फिंगरप्रिंट बहुत टाइम हो जाता है यूज करे हुए और वो पता नहीं मैं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया एंड बाई यूजिंग पीएनसी मैंने वो सॉल्व करा अपना पूरा। मेरे को कुछ कुछ चीजें याद थी उसकी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही भूल गया था, मेरे को कुछ कुछ डिजिट्स याद थी, मैंने तभी चेंज किया था पासवर्ड, तो मैंने उसी की हेल्प से आई सॉल्व दैट। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं 2 × 4 × 6 × 8 × 10 कन्वर्ट दिस इनटू फैक्टोरियल। अब देख हर जगह एक ही अप्रोच नहीं लगानी है, वहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पे 1 से प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये चारों कंसेक्यूटिव थे बट 1 से प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा था। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि 1 से तो प्रोडक्ट स्टार्ट हो ही नहीं रहा, वो तो एक प्रॉब्लम है ही, पर चलो 1 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 × 2 करके इसे ऐसे लिखो या बिना 1 के लिखो, बात तो दोनों सेम ही है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट द रियल प्रॉब्लम इज कि इनके बीच में गैप्स भी है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, नहीं? Yes, sir. अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या कर, ये देख यहां से 2 को हटा दे, 2 को लिख 2 × 1, 4 को लिख 2 × 2, 6 को लिख 2 × 3, 8 को लिख 2 × 4 और 10 को लिख 2 × 5। तो हमें दो चीजों पे बेसिकली काम करना है, एक तो हमारा प्रोडक्ट 1 से स्टार्ट होना चाहिए और दूसरी बात प्रोडक्ट कंसेक्यूटिव होना चाहिए। पिछली बार 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट पूरा कंसेक्यूटिव था बट 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा था। इस बार 1 से स्टार्ट ना होने की तो प्रॉब्लम है ही बट कंसेक्यूटिव भी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा है तो हम वी विल ट्राई टू मेक इट कंसेक्यूटिव। अब देख हमने बना दिया कंसेक्यूटिव, यस सर, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 तो इसको तो मैं लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल। अब मेरे पास 2 कुछ एक्स्ट्रा बचे, कितने 2 एक्स्ट्रा बचे, 1, 2, 3, 4, 5, वी कैन राइट इट एज 2 to the power 5। यही हो जाएगा इसका आंसर, बस 2 to the power 5 × 5 factorial। चलो ये तो हुए कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन जो आ सकता है, इनफैक्ट जो आएगा 1 या 2 marks में, वो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देख फाइंड n इफ n+1 factorial is equals to 12 × n-1 factorial। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर n+1 factorial की वैल्यू 12 × n-1 factorial के इक्वल है। चलो सॉल्व करते हैं।
अब एन प्लस वन फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, एन प्लस वन इंटू एन, एन प्लस वन से एक छोटा नंबर, इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये बात समझ आई? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर नहीं आया समझ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बता दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अभी हमने थोड़ी देर पहले n फैक्टोरियल को लिखना सीखा था, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया था अप टू n तक। इसको एक बार जरा ध्यान से देख, n से छोटा नंबर क्या होगा, जस्ट छोटा नंबर n से, n माइनस वन, राइट? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पे कहीं n माइनस वन आ रहा होगा इससे पहले, तो n माइनस वन फैक्टोरियल लिख लो इंटू n लिख दो इसको। Yes. फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करूंगा, n प्लस वन इज जस्ट ग्रेटर देन n, द नेक्स्ट नंबर आफ्टर n विल बी n प्लस वन। Yes. तो n प्लस वन फैक्टोरियल जब मैंने ओपन करा तो मैंने लिखा पहले n प्लस वन, फिर उसके बाद इससे पहला नंबर n, उसके बाद इससे पहला नंबर n माइनस वन, उसके बाद उससे पहला नंबर n माइनस टू, और ऐसे ही करते करते मैं वन तक जाऊंगा। Yes, sir. तो अब जो ये n माइनस वन से लेके वन तक का प्रोडक्ट था, मैंने उसको तो लिख लिया n माइनस वन फैक्टोरियल, और n और n प्लस वन को रहने दिया ऐसे ही, इसलिए लिखा ये, क्यों लिखा बता? क्योंकि राइट हैंड साइड में मैं ऑलरेडी n माइनस वन फैक्टोरियल दिया हुआ है, अगर मैं अब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा दे विल कैंसल आउट, और अब ये छोटे सी इक्वेशन बन जाएगी एन स्क्वायर प्लस एन, उधर से 12 इधर आया तो माइनस 12 इज इक्वल्स टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो भी रूट्स होंगे दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एन, और इसको हमें लिखना चाहिए मेरे हिसाब से ऐसे, विच वुड बी एन प्लस फोर इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, विच विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एन एज माइनस फोर एंड थ्री। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसी n की वैल्यू आई माइनस फोर और थ्री, हेलो सॉरी बच्चे, हाँ जी, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फैक्टोरियल्स फॉर नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो फिर इसका फैक्टोरियल का मतलब आंसर इसका थ्री होगा। एग्जैक्टली, फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव नंबर are not defined. तो यानी कि n की वैल्यू तो हम यहां पे बोल देंगे n can't be negative, तो n की वैल्यू होनी चाहिए 3। इसीलिए हमने अपनी स्टार्टिंग में डेफिनेशन में लिखा था कि n की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बच्चा क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास ना वो इस तरीके का ही आएगा, कोई भी जहां पर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे कोई इक्वेशन देने के बाद, जैसे कि ये इक्वेशन है कि भाई फाइंड आउट करो व्हाट इज n, एक ये क्वेश्चन जो भी मैंने दिया है और एक जो मैं अभी देने वाला हूँ ये क्वेश्चन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं यही दोनों क्वेश्चन विद सेम डेटा बहुत पूछे जाते हैं। Thank you.
चलो पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ये जो मैंने लिखा हुआ है बी पार्ट, देन वी विल प्रोसीड टू सी पार्ट। दिस इज सी। हाँ जी, कैसे सॉल्व करें? सर मैंने पहले तो एलसीएम ले लिया, बिल्कुल 10 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल। ओके, ये आया राइट? यस सर। फिर मैंने डिवाइड कर, मैंने सेपरेट कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, सॉरी 9 फैक्टोरियल इनटू 10 प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल। अच्छा, एक तरीका तो ये भी है जो तुम कर रहे हो, बट द प्रॉब्लम विल बी कि तुम्हें सॉल्व करना पड़ जाएगा इनकी वैल्यू के लिए ना, फैक्टोरियल पूरा पूरा। फिर से बता मेरे को, तूने इसके बाद क्या किया, एक बार बता दो, यहाँ के बाद क्या किया तुमने यहाँ तक पहुंचने के बाद? 9 फैक्टोरियल इनटू 10 प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल। 9 कॉमन ले लेंगे, 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो 10 प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? वेरी गुड, वेरी गुड। ये यहां तक पहुंच गए हम? हाँ जी सर, अब इसके बाद नहीं होगा। 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल को इधर ले आना, हो गया भाई। 11 फैक्टोरियल को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आ, तो 11 फैक्टोरियल इनटू 11 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 11 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को तू सॉल्व कर सकते हो तुम इसी। क्या आएगा इसका आंसर? 11 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल का। अगर मैं तेरे को ये सॉल्व करने के लिए देता 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, तो क्या आंसर होता इसका बता मुझे? 11 into 10 factorial upon 10 factorial, तो 11 into 11 हो जाएगा, n is equals to 11 into 11, 121. Nice, very good. चल एक बार ये भी try कर, खुद से कर पहले, मेरे साथ साथ कर, मुझे बताना है तेरे को कुछ कुछ चीजें जो मैं पूछता चलूँ, बस मेरे को बताते चल, उससे ही तेरे को समझ आएगी ये बातें। चल मुझे बता 2n factorial को हम कैसे लिखेंगे? अगर हम 2n का होल फैक्टोरियल ले रहे हैं तो 2n कोई नंबर है, ठीक है, 2n कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे n फैक्टोरियल को भी हमने लिखा था तो लिखा कैसे था, 1 into 2 into 3 into 4 up to n, n से पहले n-1 भी आ रहा होगा, n-1 से पहले n-2 भी आ रहा होगा,
अब हमें एन का ही नहीं पता तो बीच वाले नंबर पे हम डॉट 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 लगा देते हैं कि भाई एन डिफाइन कर दोगे अगर आप तो हम इसे पूरा लिख के दिखा सकते हैं। अब जब तक आप एन नहीं बता रहे हो तब तक हम इसे फॉर्मूले की फॉर्म में तो इस तरीके से दिखाएंगे। आई मेंट टू से कि अगर हम एन फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो दैट शुड बी वन इंटू टू इंटू, या तो ऐसे लिख लो या एन से शुरू कर लो, बात तो वही है। या इसी चीज को ऊपर मैं ऐसे लिख के दिखा रहा था, राइट? एन माइनस थ्री भी आ रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, इससे पहले कहीं एन माइनस फोर भी आ रहा होगा, बट इसे लिखने का कोई फायदा नहीं, हम इसे पूरी सीरीज को कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक एन अननोन है। एज सून एज वी गेट टू नो अबाउट एन हम इसे पूरी सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? अब हम टू एन फैक्टोरियल को लिखते हैं। चलो तो टू एन फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, बढ़ते जाएंगे ऐसे 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 कहां पे पहुंचेंगे, कहीं फिर अब देख इसके बीच में क्या क्या चीजें पड़ रही होंगी, कहीं पे n आएगा, yes, sir. फिर n प्लस वन आएगा, yes, sir. फिर n प्लस टू आएगा, हमें जाना है टू एन तक, विच इज ट्वाइस ऑफ n, तो n तो आएगा ही आएगा, और ऐसे चलते चलते हम कहीं पहुंचेंगे टू एन माइनस टू के पास, उसके बाद पहुंचेंगे टू एन माइनस वन के पास, उसके बाद पहुंचेंगे 2n के पास, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। पहले इसे समझ ले, अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो वो पूछ ले मुझसे कि हमने यहाँ पे ये क्यों लिखा है या हमने यहाँ पे ये क्यों लिखा है। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अब इसमें देख जरा मुझे प्रूव क्या करना है, 2 टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू अप टू 2n माइनस वन, इस चीज का मतलब ये है प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स, ध्यान से देख, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 2n माइनस 1 भी खुद में एक ऑड नंबर है, उस दिन हमने बात भी करी थी इसके बारे में, 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो 2n तो बनेगा खुद में एक इवन नंबर, और अगर हम उसमें से एक घटा देंगे तो इवन में से एक घटाया तो ऑड नंबर बन जाएगा, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स, राइट? यस सर। ठीक है, तो इसको तो पहले मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि इसने मुझसे डायरेक्टली इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए कहा है, तो मैंने कहा भाई ये सारे ऑड नंबर जरा बाहर निकालो, यहाँ से ऑड नंबर बाहर निकालने शुरू करे तो ये 2n माइनस 1, इससे पहले कहीं 2n माइनस 3 आ रहा होगा, तो मैंने कहा ये निकाल दो भाई बाहर, ये तो हुआ सारा प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर जो कि इसने मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है यहीं पे। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, चलो ये तो और आसान कर दिया इसने मेरे लिए काम। अब हम जरा इस पे बात करते हैं, ये वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, इन वाले नंबर्स को अगर हम बात करें तो इवन नंबर हो जाएंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू 2n माइनस 2 इंटू 2n, इस तरीके से चलेगी ये सीरीज। यस सर। ओके, अब यहां से तेरे को हर नंबर से 2 कॉमन लेना है, अगर हर नंबर से 2 कॉमन ले, ये तो छोड़ दे, इससे तो अपना काम हो गया, इसको तो एज इट इज उतारेंगे अब जहां तक भी जाना है, क्योंकि ये तो प्रूव करने वाले पार्ट में है ही, एज इट इज ये तो प्रूव करने वाले पार्ट में है, तो इससे तो अपन को कोई लेना देना नहीं है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके ये मिलना चाहिए हमें, है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर चल मेरे साथ, तो यहां से एक टू कॉमन ले, इसको टू इंटू वन लिख सकते हैं, फोर को क्या लिख सकते हैं, सिक्स को, टू इंटू फोर, और ऐसे ही चलते चलते यहाँ पे पहुंचेंगे हम कहीं, यहाँ से अगर टू कॉमन ले तो इसको एन माइनस वन, और इसको एन टू इंटू एन, अब देख कितने हर बार एक टू है हमारे पास, हर बार एक टू है, yes, sir. तो ये टोटल कितने टू होंगे, कैन यू फाइंड आउट दैट, एन टाइम्स, एग्जैक्टली। और हमें ये पता कैसे चला, हमें ऐसे पता चला कि देखिए अगर हम 10 फैक्टोरियल निकाल रहे होते तो 5 होते इवन नंबर, 5 होते ऑड नंबर्स, आधा आधा हो जाता है, तो अगर हम 2n फैक्टोरियल्स निकाल रहे हैं तो n होंगे इवन नंबर्स, n होंगे ऑड नंबर्स, n नंबर्स आप यहां पर लिख चुके हो ऑड वाले, ये है n नंबर्स, और n नंबर्स होंगे इवन वाले जिसमें हर नंबर में 2 आ रहा है, तो इट मींस ये वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर n into 1 into 2 into 3 up to n,
which will be nothing but n factorial. तो यही वैल्यू हमारे पास इस तरीके से बनती चली जाएगी. मुझे यहीं पे लिखना चाहिए इसको. अच्छा वन इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू टू एन माइनस वन. ये तो हुआ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स. टू टू द पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल. समझ आया? यस सर. ठीक है. अब ये जो एक मैंने डी पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तुम्हारा होमवर्क है. ये घर से करके लाना है. इसको नोट डाउन कर लेना है बस. As soon as you are done, just inform me. Okay. Done, sir. ठीक है. तो एक चीज तो हमने सीखी फैक्टोरियल. अब हमारा काम पूरा फैक्टोरियल का बार बार यूज होता रहेगा, बार बार यूज होता रहेगा. फैक्टोरियल तो हम सीख चुके हैं. अब हम दूसरी चीज सीखते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग करा, मैंने बताया स्टार्ट करते ही कि देखिए भाई, हम पीएनसी पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम काउंटिंग करने के लिए पीएनसी पढ़ रहे हैं. काउंटिंग को आसान बनाने के लिए पीएनसी पढ़ रहे हैं. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल भी रहा था कि अगर 100 सीट्स होती और 100 लोगों को उस पर मुझे बैठाना होता तो ये बहुत बड़ी काउंटिंग होती मेरे लिए. और ये बहुत बड़ी काउंटिंग को मैं कैसे आसान बनाऊं? वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द न्यू वेज कि कैसे हम इस काउंटिंग को आसान बना सकते हैं. जब हमने इस पर रिसर्च करनी स्टार्ट करी, लोगों ने इसे सोचना शुरू करा, तो उन्होंने दो प्रिंसिपल निकाले. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो प्रिंसिपल है. फर्स्ट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल. अब इनके डेफिनेशन पर नहीं जाते हैं. डेफिनेशन तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है. मतलब इसकी डेफिनेशन इतनी आसान नहीं है. हम इनके क्वेश्चंस पर तो चलेंगे सीधा. उससे पहले मैं एक एग्जांपल पे चलता हूँ. तो चल एक कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा. हमारे पास तीन सिटी है. एक सिटी है भाई अपन के पास सपोज, चलो बीच में तो मुंबई को रखते हैं, इधर रखते हैं हम इंदौर को, और इधर हम रखते हैं कोई भी सपोज हैदराबाद. ठीक है जी. ओके तो ये तीन सिटीज हमारे पास, इंदौर, मुंबई एंड हैदराबाद. इंदौर से मुंबई जाने के सपोज तीन तरीके हैं. In fact, take it as Goa. अब मेरी बात भी सही होगी. हाँ, तो इंदौर से मुंबई जाने के तीन वेज हैं. ये है वे वन, ये है वे टू, ये है वे थ्री. और मुंबई से गोवा जाने के भी चार वेज हैं. दिस इज वे फोर. नाम में इन्हें कुछ दे रहा हूं, वे फाइव, वे सिक्स एंड वे सेवन. ठीक है. अब सपोज इंदौर में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंदौर में कोई प्रॉब्लम हुई एंड वी नीड टू गो टू गोवा फ्रॉम इंदौर वाया मुंबई. हमें इंदौर से गोवा पहुंचना है वाया मुंबई, तो हम कैसे जा सकते हैं? अब देखो ये रूट्स जो हो सकते हैं हमारे कितने हो सकते हैं. या तो हम W1 रूट से जाएं मुंबई तक और उसके बाद W4 रूट से जाए गोवा तक. तो टू रीच गोवा फ्रॉम इंदौर वाया मुंबई, मुंबई से होते हुए इंदौर से गोवा जाना है. ऐसा कोई जरूरी बात तो नहीं है, बस हम अपने कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं. वरना इंदौर से डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं हम गोवा, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर हमें इंदौर से गोवा जाना है वाया मुंबई, तो हम किस तरीके से जा सकते हैं? तो हम कहते हैं जी आप कोई सा एक तरीका चूज कर लीजिए इंदौर से मुंबई जाने का. सपोज यू हैव चोजन W1, उसके बाद आप मुंबई से गोवा जाने के लिए W4 भी यूज कर सकते हैं, W5 भी यूज कर सकते हैं, W6 भी यूज कर सकते हैं, W7 भी यूज कर सकते हैं. चलो बनाते हैं जरा. तो हमने बोला कि भाई W1 यहां से चूज करा, W4 आपने वहां से चूज करा, एक तरीका तो ये हुआ जाने का. वैसे ही एक तरीका हुआ W1 यहां से चूज करा, W5 यहां से चूज करा. एंड सिमिलरली चार तरीके तो हो गए,
अगर आपने W1 चूज करा तब, है कि नहीं? Yes, sir. वैसे ही चार और तरीके आ जाएंगे जैसे ही मैं W2 से यूज करूंगा, W2, W4, W2, W5, W2, W6, W2, W7. सिमिलरली चार और वेज आ जाएंगे 12 रूट से जाने के लिए, टोटल 12 रूट से जाने के लिए. सही बात है, ठीक है. अब दूसरी एक और कंडीशन फटाफट से मेरे साथ शेयर कर, मैं तेरे साथ शेयर करता हूं और मेरे को इसका आंसर दियो कि हम मुंबई में सपोज फ्लड्स आ गए, मुंबई में फ्लड्स आ गए एंड वी नीड टू डिस्पर्स फ्रॉम मुंबई. तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इंदौर जा सकते हैं या हम गोवा जा सकते हैं, राइट? हम कहीं भी जा सकते हैं, मुंबई से हमें हटना है. इधर वी कैन गो टू इंदौर और वी कैन गो टू गोवा, ठीक है. कितने तरीके से हम मुंबई से डिस्पर्स हो सकते हैं? सेवन. सेवन, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड. इन दोनों के बीच में जरा डिफरेंस समझ तू मेरे साथ, हमें जो समझना है वो ये आगे वाला प्रोसीजर समझना है. इंदौर से मुंबई जाने के कितने टोटल वेज थे? थ्री वेज थे. और मुंबई से गोवा जाने के फोर वेज थे, ठीक है. एक बार हमने मल्टीप्लाई करा थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, और एक बार हमने ऐड करा थ्री प्लस फोर सेवन. दो ही तो आंसर आए हैं, एक आंसर आया ट्वेल्व, एक आंसर आया सेवन, है ना. यही हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल. मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं, हमारा टास्क था इंदौर से गोवा जाने का, बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन मुंबई, क्योंकि हमें वाया मुंबई जाना था. तो अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं एंड दैट इज डिवाइडेड इंटू सब टास्क, और वो सारे सब टास्क आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. हमारा टास्क था इंदौर से गोवा जाने का, बट सब टास्क कैसे हुआ? सब टास्क ये दो हिस्सों में बट गया कि आपको पहले इंदौर से मुंबई जाना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू हैव टू गो मुंबई, यू हैव टू गो गोवा फ्रॉम मुंबई. दो सब टास्क हो गए, इंदौर टू मुंबई एंड मुंबई टू गोवा. पहला सब टास्क हो सकता था तीन तरीके से, दूसरा सब टास्क हो सकता था चार तरीके से, और ये आपस में जो वेज है ना तीन और चार, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे. मतलब डिपेंडेंट थे का क्या मतलब है कि अगर हम W1 से जाते हैं तो हमारे पास चार अलग अलग चॉइसेस हैं कि आप फिर W4 से भी जा सकते हैं, W5 से भी जा सकते हैं, W6 से भी जा सकते हैं, W7 से भी जा सकते हैं. और अगर आपने सपोज W1 चूज नहीं करा, आपने W2 चूज करा, तो फिर से आपके पास चार तरीके हैं. आपने W3 चूज करा, फिर से आपके पास चार तरीके हैं. तो इसी काम को करने के सक्सेशन में, करने के दोनों चीजें एक साथ करने के टोटल तरीके थ्री इंटू फोर भी लिखे जा सकते थे. यह बात समझ आई? Yes, sir. वैसे ही एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? एडिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने कोई टास्क करा और उसके सब टास्क एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि हमें मुंबई से हटना था, आप मुंबई से इंदौर भी जा सकते हैं, और मुंबई से इंदौर जाने के लिए गोवा बिल्कुल मैटर नहीं करता, गोवा का कोई रास्ता बीच में नहीं आता, गोवा पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है ये चीज, और इसके अपने अलग इंडिपेंडेंट थ्री वेज है इस काम के होने के. वैसे ही आपको मुंबई से डिस्पर्स होने के लिए आप गोवा भी जा सकते हो, बट वाइल डूइंग दैट इंदौर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. इंदौर का कोई मतलब नहीं है उसमें, इंदौर इंडिपेंडेंट है, गोवा इंडिपेंडेंट है. तो मुंबई से डिस्पर्स होने के जब तरीके निकाले थे तो दोनों सब टास्क अलग अलग इंडिपेंडेंटली हो रहे थे, बट जब इंदौर से गोवा जाने के तरीके निकाले तो दो सब टास्क एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे, सक्सेशन में हो रहे थे, दोनों चीजें एक साथ हो रही थी कि इंदौर से मुंबई तो जानी है, साथ साथ मुंबई से गोवा भी जाना है. तो जब आपके पास सब टास्क डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तरीके बढ़ जाएंगे. हर एक तरीका इंदौर से मुंबई जाने का चार और तरीके देगा मुंबई से गोवा जाने के, बट जब आपके सब टास्क एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे तब आप एडिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे. तो आप नंबर ऑफ चॉइसेस को ऐड करेंगे तब जब सब टास्क एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, आप नंबर ऑफ चॉइसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तब जब आपके सब टास्क एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. क्या तेरे को ये दोनों बातें समझ आई इस एग्जांपल? यस सर. ठीक है, अब देख ये बातें हमें यहां से तो बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं. अब हमें पूरे चैप्टर में ना यही काम करना है. पहले तो ये समझ ले, अपन को पूरे चैप्टर में यही काम करना है भाई, जो अभी हमने सीखा है. बस वी हैव टू गेट एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. हम देखेंगे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस. इसके अलावा एक छोटी छोटी चीजें हैं बस, और तो बहुत. एक एनपीआर और एक एनसीआर समझना है,
और उसके अलावा यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग भाई लगाते जाने हैं। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ होगी कि हमें ये समझ नहीं आता। यहाँ पे तो हमें बस ही बड़ी आसानी से समझ आ गया कि ये इंडिपेंडेंट टास्क है या डिपेंडेंट टास्क है, पर जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो ये हमें समझ नहीं आएगा कि मल्टीप्लाई करें या ऐड करें। ये तब तक समझ नहीं आएगा, समझ तो आएगा ही ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बट ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई नहीं कर लेंगे खुद से, तब हमें ये समझ आनी शुरू हो जाएगी। और इसमें कॉमन सेंस ही लगानी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं इसके, ये भी बता दूंगा। चलो फिर शुरू करते हैं हम थोड़ी थोड़ी चीजों से। तो चल मैं तेरे को पहले ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन ही है, बुक के ही क्वेश्चन है, पर ये ऐसे ही मैं तुझे तुझे तेरे सामने कुछ सिचुएशन रख रहा हूँ। तो सपोज एक सिनेमा हॉल है, ठीक है, और इसमें तीन एंट्रेंस के गेट है, विच इज E1, E2 एंड E3, और दो एग्जिट के गेट है। एग्जिट को मैं लिख रहा हूं EX1 एंड सेकेंड इज EX2, ठीक है। एक सिनेमा हॉल है, एक हॉल है, उसके पास तीन एंट्रेंस के गेट है, दो एग्जिट के गेट है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द हॉल एंड देन कम आउट। कितने तरीके से एक बंदा हॉल के अंदर घुस सकता है और बाहर आ सकता है। फिर तीन तरीके से घुसना भी है, दो तरीके से बाहर आ सकता है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द होल एंड देन कम आउट। पहले एंटर करे और फिर बाहर आ जाए, ये कितने तरीके से होना पॉसिबल है। सीधी सी बात है, एंटर होने की तीन चॉइसेस है। हाँ, बस हमें यही समझना है कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की क्वेश्चन नहीं है। अब पहले मैं तुझे फिर से पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। 5 नहीं होगा, 6 होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही समझना है हमें, ठीक है? हमारे पास कुछ अभी जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, वो सब में यही करना है, फटाफट यही करते चलेंगे। पहले यही चीज समझनी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पीएमसी में तेरे को कोई नहीं कुछ कर पाएगा, कोई कुछ नया नहीं सिखाएगा, सब चीजें यही सीखनी है अपन को। नई चीजें जो सीखनी है वो सब आसान बन जाएंगी अगर ये दो चीज सीख गए तो, बस, ठीक है? चल अब मेरे साथ सिचुएशन को इमेजिन कर। तीन तरीके हैं घुसने के, दो तरीके हैं बाहर निकलने के, दोनों काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे? तू ऐसे बना के देख लिया कर शुरुआत के क्वेश्चंस में कि भाई एक तरीका है E1 से घुसूं, EX1 से बाहर आऊं, एक तरीका है E1 से घुसूं, EX2 से बाहर आऊं। इसके लिए, इस गेट के लिए अगर आप एंट्रेंस 1 से एंटर करते हो तो देर आर टू वेज टू एग्जिट। सेम गोज फॉर E2, इफ यू एंटर बाई E2 देर आर टू वेज टू एग्जिट। सेम गोज फॉर E3, इफ यू एंटर बाई E3 देर आर टू वेज टू एग्जिट। तीन चॉइसेस ये हैं, दो चॉइसेस ये हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब अब ऐसे नहीं देखना है कि सर वो तो कहीं से भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, कहीं से भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। कि उसे हमने उसकी इस बात पर कोई रोक नहीं लगाई कि तुझे कहां से जाना है, कहां से आना है। तो जहां से चाहे, अभी आगे हम ये भी लगाएंगे इनफैक्ट कंडीशंस भी कि भाई ये देखो घुस यहीं से सकता है और आ यहीं से सकता है बाहर, वो सब कंडीशंस भी लगाएंगे, बट वो बहुत आसान हो जाएंगी, उनकी प्रॉब्लम नहीं है अपन को। बस हमें तो यही सीखना है कि भाई एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कब करना है। तो बच्चे चॉइसेस डिपेंडेंट हैं कि नहीं है, मतलब कि E1 के लिए भी दो चॉइस थी, E2 के लिए भी दो चॉइस थी, यानी कि अगर आप एंट्रेंस को बदलोगे तो चॉइसेस में फर्क पड़ रहा है। अगर आप E1 से जा रहे हो, EX1 से निकल रहे हो, तो वो एक तरीका है। अगर आप E1 से घुस रहे हो, EX2 से निकल रहे हो, तो वो दूसरा तरीका है। और अगर आप E1 के बजाय E2 ले लोगे तो फिर से दो और तरीके बन जाएंगे। अगर आप E3 से घुसोगे तो फिर से दो और तरीके बन जाएंगे। तो ये जो तीन चॉइसेस पहली घुसने की हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन कि एग्जिट कहां से ले रहे हो आप, उस पे भी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हो जाएंगे इस केस में। बात समझ आई? यस सर, थोड़ी थोड़ी। कोई बात नहीं, वो इसीलिए मैंने ये तुझसे बोला कि पहले क्वेश्चन लिख विक मत, पहले बस समझने क्वेश्चन। चल एक तरीका हुआ ये, अब और समझते हैं थोड़ा सा। चल ऐसे समझते हैं, अपना फ्लैग है कोई, अब ये अपना फ्लैग तो नहीं है, इंडियन फ्लैग नहीं है, पर कोई भी ये फ्लैग है, ठीक है, जिसमें तीन कलर्स हमें फिल करने हैं और हमारे पास टोटल 6 कलर्स हैं।
तो हम जानना चाहते हैं कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम इस फ्लैग को बना सकते हैं. द फ्लैग ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड फोरम इज इन द फॉर्म ऑफ थ्री ब्लॉक्स, जैसे मैंने दिए हुए तेरे को तीन ब्लॉक्स की फॉर्म में कोई फ्लैग है, ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली, तीनों का कलर अलग अलग होना चाहिए. इफ देयर आर सिक्स डिफरेंट कलर्स टू चूज फ्रॉम, हमारे पास छह कलर्स हैं जिससे हम चूज कर सकते हैं कलर्स, देन हाउ मेनी सच डिजाइन आर पॉसिबल, ऐसे कितने डिजाइन पॉसिबल हैं कि जिसमें डिफरेंट होने चाहिए और तीन ब्लॉक हैं, आउट ऑफ सिक्स कलर्स हमें फिल करने हैं. अब मेरे साथ ही सीख पहले, रुक जाओ. तो अगर मैं पहले ब्लॉक को फिल करने गया कलर से, मेरे पास टोटल सिक्स कलर्स हैं और पहले ब्लॉक को फिल करने के लिए आई कैन यूज एनी सिक्स कलर्स, राइट? यस सर. दूसरे ब्लॉक को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास? फाइव, क्योंकि एक तो ऊपर यूज हो चुका होगा, वो तो हम यूज कर नहीं सकते. तीसरे ब्लॉक को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? फोर. फोर, बिल्कुल. दो कलर अब फिल हो चुके हैं, एक यहां पे कोई हो चुका होगा, सपोज ब्लू हो गया, तो मैं ब्लू यहां पे नहीं ले सकता, इसके लिए ब्लू हटा दिया. पांच कलर बचे, पांच में से सपोज यहां पे ग्रीन आ गया, तो अब ब्लू और ग्रीन दोनों नहीं ले सकता, इसके लिए बची चार चॉइसेस. तो मल्टीप्लाई करना चाहिए कि डिवाइड करना चाहिए? सॉरी, ऐड करना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना चाहिए? डिवाइड तो करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई ही होगा. पर क्यों? इंपॉर्टेंट बात यह है. अब देख, या तो एक तरीका है कि हम ये चॉइसेस पहचानना सीख जाएं, जैसे मैंने तेरे को पहला तरीका सिखाया, बट मुझे पता है प्रॉब्लम आएगी चॉइसेस को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, तेरे सामने जनरली प्रॉब्लम आएगी. तो इसके बजाय अब एक बात याद रखियो मेरी, ठीक है? एडिशन प्रिंसिपल जब जब लगाना होता है तो क्वेश्चन के अंदर और टर्म यूज हो रही होती है, और अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ही लगाना है. एडिशन प्रिंसिपल के लिए और टर्म यूज होगी, मतलब आपके पास चॉइसेस होंगी, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं काम को, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. आप मुंबई से इंदौर भी जा सकते हैं, या फिर मुंबई से गोवा भी जा सकते हैं. यहां पर कलर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला कलर छह के छह में से कोई भी हो सकता है, बट दूसरा और तीसरा कलर जो भी होगा वो पहले वाले के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा होगा. सपोज आपने पहले पे ब्लू रखा तो इनके लिए होंगी 20 चॉइसेस. पांच कलर इस पे आ सकते हैं, चार कलर इस पे आ सकते हैं. अगर आपने सपोज अब ग्रीन कर दिया यहां पे, तो भी तो इसके पास 20 चॉइसेस होंगी. समझ आई ये बात मेरी जो अभी अभी मैंने बताई? यस सर. भाई हमारे पास छह कलर है, छह में से कोई भी एक ले लिया. सपोज यहां पे ब्लू रख दिया तूने, अभी इसकी चॉइसेस भूल गया तूने, मान ले यहाँ पे ब्लू रख दिया, तो ब्लू रख दिया तो तूने कहा कि अगले दो को फिल करने के लिए मेरे पास 20 चॉइसेस हैं, ठीक है जी? तो ब्लू के 20 फ्लैग, अगर ऊपर वाला कलर ब्लू है तो उसके 20 फ्लैग्स बन सकते हैं. अगर ऊपर वाला कलर ग्रीन है तो उसके भी तो 20 बन सकते हैं भाई. ऐसे ऊपर वाला कलर छह हो सकते हैं, तो हमने कहा 20-20 तो सबके लिए है और छह बन सकते हैं ऐसे ही, तो 20 × 6 हो सकता है ये 120. ऊंचाई बात समझ? यस सर. ठीक है, चल एक और क्वेश्चन है. तीन लोग हैं, उनके पास पांच वैकेंट सीट्स हैं, और ये हैं बंदे ए बी सी. इन तीन लोगों को इन पांच वैकेंट सीट्स पे बैठना है, कितने तरीके से बैठ सकते हैं? फिर से नंबर ऑफ चॉइसेस निकालने की कोशिश कर. नंबर ऑफ चॉइसेस किसके पास होंगी? सीट के पास होंगी कि इंसानों के पास होंगी? इंसानों के पास. इंसानों के पास ही होंगी ऑब्वियसली, सीट्स के पास तो कोई चॉइस है नहीं. सीट तो भाई वहां पर रखी हुई है, जिसे बैठना है बैठ सकते हो. तो ए के पास कितनी चॉइसेस है? फाइव. फाइव, वो पांच में से कोई भी एक सीट ले सकता है. देर आर फाइव चॉइसेस अवेलेबल फॉर ए. बी के पास? फोर. सी के पास? थ्री.
तो आंसर क्या होना चाहिए, तीन लोग पांच सीट्स पे बैठाने हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 5 × 4 × 3 बस, वेरी नाइस, ठीक है। अब आते हैं जरा चल क्वेश्चंस पे, थोड़े और, थोड़े से और क्वेश्चंस हम बढ़ा रहे हैं, और लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का। चल पहला क्वेश्चन लिखो, अब लिखना शुरू कर दे क्वेश्चन, अब कुछ कुछ बातें समझ आने लगी, इधर आएंगी धीरे धीरे ही आएंगी। लिखो फिर पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग से मतलब नहीं है जी, वर्ड्स देखने हैं बस, टोटल कितने बन सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 distinct letters, ये जरूर ध्यान रखना है, डिस्टिंक्ट बोला है कि नहीं बोला है, तीनों अलग अलग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तीनों सेम भी हो सकते हैं। चल मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूं, डिस्टिंक्ट को हटा दे अभी, मैं इसके दो पार्ट बना दूंगा। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 letters ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट can be formed if letters are different चल ये पहला क्वेश्चन है, रुक जा अभी हमने लिखा है, तो मेरे साथ कर इसको, मैं तेरे को एक तरीका बता रहा हूँ इसको करने का, सारे क्वेश्चंस को करने का, इनफैक्ट आगे तक अभी जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सभी क्वेश्चन को करने का, कि जो भी हमें काम करना है ना, सबसे पहले तो उसके लिए चॉइसेस लिखनी है। हमें क्या करना है काम, 3 letter का कोई वर्ड बनाना है, तो ये 3 letter का वर्ड मैंने ऐसे लिख दिया, इनके लिए 3 positions बना दी, अब मैं इसमें नंबर ऑफ चॉइसेस लिखूंगा। ए पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आई हैव टू मेक वर्ड्स ऑफ 3 letters जहां पर लेटर्स सारे डिफरेंट हो, तो पहला लेटर जो होगा उसके लिए कितनी चॉइसेस हो सकती है हमारे पास, 24 किससे ले रहे हैं हम लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स है ना, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 24 तुम्हारे 24 होते हैं। अच्छा तुम कल कुछ गलत इंग्लिश सीख रहे हो भाई, देखो कहाँ नोएडा में रहते हो ना तुम, पक्की बात है नोएडा की तरफ ये इंग्लिश गलत सिखा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ उधर कुछ गड़बड़ है बेटा, ए से लेके जेड तक 26 होते हैं, हमारे यहाँ तो देख 26 होते हैं, तुम्हारा नहीं पता वैसे, हमें वैसे नोएडा एक्सटेंशन की तरफ हो सकते हैं ये 24 कर दिया, 26 लेटर्स है हमारे पास टोटल, राइट? और पहली बार हमें क्या करना है कि 3 letter का कोई भी एक वर्ड बनाना है। अब 3 letter का कोई भी वर्ड बनाना है, मैंने कहा पहला लेटर के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 26। सेकंड लेटर के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 25। और थर्ड के लिए? 24। तो आंसर हो जाएगा तीनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ए लोगे तो उसके लिए भी 25 × 24 चॉइसेस बनेंगी, आप यहाँ पे बी लोगे तो भी 25 × 24 चॉइसेस बनेंगी, आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मैं भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अगर ये पता करना है कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो कोई सी भी एक चॉइस को फिक्स करो, एक चॉइस को फिक्स कर दो और फिर देखो दूसरे वाली कितनी बन रही है, और फिर उस चॉइस को बदल दो। तो पहले अगर मैं इसको ए लूं तो इसके पास होंगी भाई 24, इसके पास होंगी 24 चॉइसेस, 25 इसके पास होंगी, 24 अगर मैं इसको बी लूं तब भी तो इतनी चॉइसेस होंगी। तो जैसे ये दोनों को हम देख लें और ये दिखा में दोनों के भाई ये तो दोनों मतलब बहुत सारी चॉइसेस होंगी, तो जब भी ज्यादा चॉइसेस हो, जब भी ज्यादा चीजें बन रही होंगी तो मल्टीप्लाई कर दो उठा के, जब भी कम चीजें बन रही होंगी तो ऐड कर दो, बस ये ध्यान रखना है, ऐसे भी हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं।
तो ए के लिए भी उतनी चॉइसेस हैं, बी के लिए भी उतनी चॉइसेस हैं, तो इसका मतलब सबके लिए उतनी चॉइसेस होंगी, मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले का आंसर होना चाहिए 26 इंटू 25 इंटू 24। अब जरा दूसरे क्वेश्चन पे आंसर मत कैलकुलेट कर, ये तो आ जाएगा जो भी आएगा, ये अपना काम नहीं है, पेपर में बस कैलकुलेट करके आना है। वैसे अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो आधा नंबर कट जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कुछ बड़ी बात हो जाएगी, ये तो निकाल लेंगे अपनी तो कैलकुलेशन से। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, बता मेरे को सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में सेम भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। तो पहले लेटर के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 26। सेकंड वाले के लिए 26 ही होंगी, बस ये डिफरेंस है दोनों के। देखिए यहाँ पे तो हमने एक एक लेटर घटा दिया, क्यों घटाया था? इसलिए घटाया था कि भाई देखो पहले वाले प्लेस पे तो कोई जो लेटर आ गया वो अब सेकंड पे तो नहीं आएगा, बस यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं ऐसी। तो 26 into 26 into 26, अब ऑब्वियसली से हमें ऐसे नहीं लिख के आना जैसे मैंने इतना छोटा सा लिखवा दिया, ये हमें इसी चीज को बस अपने लैंग्वेज में पुट करके आना है कि वी वॉन्ट टू फॉर्म वर्ड्स ऑफ थ्री लेटर्स, सो द चॉइसिस फॉर द फर्स्ट लेटर कैन बी 26, then the choices for second letter should be 25, as the letter who has already in the first place cannot be placed again. और अपना यही सारी कहानियां लिख के हमें सजा के अच्छा सा आंसर लिख के आना है। काम इतना ही है बस जितना हमने करा है, मैथमेटिकली तो इतना ही काम है, सही बात है, कर सकते हैं हम इसको, बताओ। काफी तुम तो डिबेट विबेट करते हो, वैसे मैं देखता रहता हूँ तुम्हारा स्टेटस, देखा है मैंने। अच्छा जी चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 in which all the digits, by the way जब भी हम पीएनसी सॉल्व कर रहे होंगे ना तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, ये बड़े थोड़े प्रैक्टिकल से क्वेश्चन होते हैं, तो हमें कुछ चीजें यहां से निकालनी पड़ती हैं समझ के। जैसे देख पहला ये मैंने क्वेश्चन तुझे उसी लिए दिया है, How many numbers are there between 100 and 1000? 100 से 1000 के बीच में ऐसे कितने numbers हैं कि जहाँ पे तीनों digits distinct हैं, जहाँ पे तीनों digits distinct हैं? How many digits are there? Total digits कितने? Digits होते numbers, कितने numbers हैं total? मतलब numbers नहीं, digits हैं वो चीज जो हम नंबर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो क्या क्या डिजिट्स हम यूज करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सिर्फ यही डिजिट्स है हमारे पास। तो टोटल होती है 10 डिजिट्स, इन्हीं से ही हम जो नंबर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब वो 5 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर का क्या मतलब होता है कि तीन डिजिट्स यूज होंगी, सॉरी तीन प्लेसेस यूज होंगे। डिजिट्स तो कितने भी यूज कर सकते हो आप, इस पे मैक्सिमम तीन कर सकते हो, तीन से ज्यादा नहीं कर सकते। तो हमें बताने हैं ऐसे नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। तो 100 से 1000 के बीच के नंबर्स कैसे होंगे बच्चे? थ्री डिजिट नंबर ही तो होंगे सारे। Yes. So 9 into 9 into 8 होगा। क्या बात है भाई, तूने तो बहुत ही जल्दी कर दिए सवाल, बड़ी जल्दी समझ आई तेरे को बात। क्यों ऐसे दूसरी बार 9 क्यों है? बस मुझे एक रीजन बता दे छोटा सा, ये 9 पहले वाला समझ आया, पहले वाला 9 क्यों? अच्छा चल पहले ये बता। सर क्योंकि हंड्रेड्स के प्लेस पे 0 नहीं ले सकते। अरे भाई भाई, और फिर दोबारा 9 क्यों? क्योंकि हंड्रेड्स वाली प्लेस पे ऑलरेडी एक नंबर चला गया है। ओके, तो दूसरे वाले प्लेस पर 9 क्यों? 8 होना चाहिए था ना। सर 0 तो डल जाएगा ना यहाँ पे। ओह स्मार्ट, ठीक है चल करते हैं फिर शुरू, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन अब हम शुरू करने जा रहे हैं।
अच्छा चलिए, यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है, सच दैट, इसी क्वेश्चन के अंदर इन विच के बाद ये जो पूरी लाइन है इसके बाद ये लिख रहा हूं, देख मैं, सच दैट, ठीक है, एवरी डिजिट इज आइदर 2 or 9, फिर क्या होता आंसर, हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं 100 और 1000 के बीच में, जिसमें से जो भी डिजिट यूज हो रही है वो सारे डिजिट्स या तो 2 है या 9 है, यही 2 डिजिट यूज हो सकती है बस। तो फिर रिपीटेशन हो सकती है फिर, तो 2 into 2 into 2। बहुत ही बढ़िया। चल फिर ये बता दे मुझे, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स, पूरा कैलकुलेट करके नहीं बताने, बस आंसर बता देने क्या आएगा। लिख सकते हैं इसको हम फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकते हैं, देख ध्यान से देख, चल तू ही बता मेरे को कन्वर्ट करके फैक्टोरियल के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। सर 1 रहे तेरे सामने, अच्छा तो 2 into 1 नहीं लिख सकता मैं, 2 को क्या, 1 को तो किससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से क्या फर्क पड़ रहा है, तो 1 से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पागल, 1 को अगर तू मल्टीप्लाई भी करेगी इसके साथ, सपोज देख हमारे सामने ये लिखा हुआ 3 into 2, तो 3 into 2 इज इक्विवेलेंट टू 3 into 2 into 1, 1 की तो टेंशन नहीं है अपन को। ध्यान से देख मैं बताऊं क्या बनेगा, ये 9 into 9 factorial, भाई 1 को तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर चेंज थोड़े ना होता है। तो अगर 1 नहीं भी दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, चल नेक्स्ट कर फिर, बस अब अपन को यही थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मतलब होगी हमारे जितने हो सकते थे प्रैक्टिस, और
सर सेकंड क्वेश्चन में रेपिटेशन अलाउड है? वेरी गुड क्वेश्चन. देख जब तक हमें बोला नहीं जाएगा तब तक वी विल टेक रेपिटेशन अलाउड. अगर हमें बोल दिया जाए कि हाँ भाई रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो हम मानेंगे कि हाँ जी रेपिटेशन अलाउड नहीं है. या अगर हमें खुद से ही समझ आ रही हो कोई बात, कभी कभी ऐसा भी होगा कि कॉमन सेंस या प्रैक्टिकली तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके से बना के दिया है कि बोला तो नहीं गया कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, बट तुम्हें पता है कि यार इस केस में तो रेपिटेशन अलाउड हो ही नहीं सकती, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं. तो अगर नहीं बोला गया है कुछ भी तो वी विल कंसिडर कि रेपिटेशन अलाउड है. हाँ जी तो हमें ये डिजिट्स यूज नहीं करनी है 0, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसके अलावा जो बची वो यूज कर सकते हैं. 64 digits, 4 into 4 into 4. वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है. 64. नेक्स्ट हाँ जी सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या किया बताओ मेरे को. सर अगर हम 7 को फिक्स कर दें तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए 9 ऑप्शंस है क्योंकि 0 नहीं है, और सेकंड पोजीशन के लिए 10 ऑप्शंस है, तो 90 ऑप्शंस हो. वेरी गुड वेरी गुड. तो टोटल चॉइसेस 90 हो जाएंगे. क्यों? यस सर. ठीक है लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए. अब ये वाला कर, ये वाला क्वेश्चन सेम है. हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7. कम से कम एक डिजिट 7 होनी चाहिए. अच्छा जी कैसे किया सॉल्व? 100 से 1000 के बीच में 900 डिजिट्स होते हैं.
और 900 में से 648 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 7 बिल्कुल नहीं होता, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओह, विच हैव एक्चुअली कैसे निकाला तुमने? नहीं नहीं तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो. बट हाउ डिड यू फाइंड आउट के 648 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास 7 नहीं होता है? 8 × 9 × 9. ओके ओके बात तो तेरी सही है. तो तेरे को पीएनसी आता है? अब मेरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, पीएनसी तेरे को आता है? मतलब ये चैप्टर तेरे को आता है पहले से? स्कूल में पढ़ा था बस. अच्छा, तो आंसर कितना है? 252. बिल्कुल सही बात है. अरे बहुत ही सही है, तेरे को आती हैं चीजें, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि ये अभी जैसे तुमने किया है ना, ये तो मैं एक्चुअली आगे पढ़ने, ये तो अपन को आगे पढ़नी है ये चीज तो. बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. वेरी गुड, तो हमारे लिए आसानी होगी आगे की चीजें पढ़ने में. चल फिर ठीक है, फटाफट से हम अब परम्यूटेशन देखते हैं क्या होता है. इसके बाद इस पे कुछ ऐसी जनरल टाइप के क्वेश्चन आएंगे कुछ, और वो सब हमें सॉल्व करने होंगे. अब हम बात करें अगर परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट्स. अब यहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा, एनपीआर. व्हाट डज एनपीआर मींस? सबसे पहली बात तो एनपीआर में क्या है हमारे पास? एनपीआर का मतलब है वी आर अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द गिवन एन ऑब्जेक्ट्स. और एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है बता? ये नहीं आता है? नहीं आता. NPR is equals to n factorial divided by n minus r factorial. तो इसका मैं अगर तेरे को एग्जाम्पल बताऊं कि NPR, तो इस पे पहले तो देख ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक बेसिक कि भाई बताइए सॉल्व करिए 12P4 सॉल्व करो या whatever whatever ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें. और उसके अलावा फिर कभी कभी ये चीजें भी आ सकती हैं. चल एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि बेसिक क्वेश्चन है, एक छोटा सा एग्जांपल. कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई 56. पहले ये फॉर्मूला जो है इसको डिराइव करने को तो नहीं आएगा ना पेपर में? नहीं नहीं, ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा. ड्राइव करने की टेंशन छोड़ दे, तो ड्राइव तो बहुत लोग ना कर पाए इसको. बोल दो अगर तेरे को सीखना है तो मैं ड्राइव करना सिखा सकता हूँ तेरी अपनी उसके लिए, बट पेपर के हिसाब से तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है. कैसे पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है? तो मेरे हिसाब से भी इम्पोर्टेंट नहीं है. मेरे दिमाग में तो मत पढ़, घूम जाती है. अभी तो वैसे भी कोई पढ़ने का फायदा नहीं है पेपर से दो दिन पहले तो ये सब चीजें. तो एक तरीके का क्वेश्चन देखिए आ सकता है कि 56 PR + 6 sorry factorial को लिखती है मैंने इसको 56 PR + 6 and ratio 54 PR + 3 is equals to this ratio दिया हुआ है you have to find R आपको simply ये चीज दी हुई है देखो और आपको इसे सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाओ, 56 फैक्टोरियल ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 में से इसको माइनस करो. तो जब 56 में से इसे माइनस करेंगे तो 56 में से 6 चला जाएगा, 50 बचेगा. तो इट विल कम आउट 50 माइनस आर फैक्टोरियल. ऐसे ही इसको सॉल्व करने के लिए 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 में से इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा 51 माइनस आर फैक्टोरियल. ये नीचे होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख लिया तुमने? यस सर. रफ कर दो इसको. यस. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यार अपन को पता ही है ये फ्रैक्शन दिया हुआ है 56 फैक्टोरियल इनटू 51 माइनस आर फैक्टोरियल. अब 51 माइनस आर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
51 माइनस आर में से मैं एक घटाऊंगा, इफ आई विल माइनस वन आउट ऑफ 51 माइनस आर, तो 50 माइनस आर बचेगा, और ऐसे 54 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो तेरे को समझ आ ही गया होगा मैंने इसे ऐसे क्यों लिखा है, ये करने के लिए। और इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, सॉल्व करने के बाद बचेगा 56 इंटू 55, इसको इधर ले आओ तो मेरे पास वैल्यू आ गई 51 माइनस आर इज इक्वल्स टू 3800 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 55, 11 से कैंसिल करके देखते हैं 28005 एंड देन 560 which will be 10, तो R is equals to 41. Solve करने के बाद ये मिल जाएगा अपने पास। तो एक तरीके के तो question ये होंगे कि जो सीधा सीधा formula based होंगे। अपन के ये question as such कोई important, मतलब important है, एक दो marks में आएंगे इसी तरीके के questions, वैसे C में भी आ सकते हैं अभी combination सीखेंगे तो। But जो अब हम काम करने वाले हैं permutations के अंदर सबसे ज्यादा used questions यही होते हैं। तीन चार तरीके के हमारे तरीके क्वेश्चंस हैं इसमें परमिटेशन के अंदर, इसमें से कोई भी एक तरीका आने के फुल चांसेस हैं, क्योंकि परमिटेशंस में भी हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशंस भी होते हैं कभी कभी, रिपीटेड रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशंस हैं। अच्छा, ये जो अभी हमने डेफिनेशन लिखी ना यहाँ पे NPR, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो दैट वी आर अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, हम n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं बट n के n एक साथ नहीं हो रहे अरेंज। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ कुछ बोलो 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 नहीं सर मैं कुछ नहीं बोलूं। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज देख हमारे पास चार सीट्स हैं और हमें बताया गया 6 पर्संस को बैठाना है यहाँ पे, तो अब सीट तो चार ही है, 6 लोग हैं वो अलग बात है भाई, बट हमारे पास तो चार ही सीट है, हम तो चार ही सीट पे बैठा सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम 6 के 6 ऑब्जेक्ट्स को तो ले सकते हैं अकाउंट में, मतलब आप उन 6 में से कोई भी 4 ले सकते हो बट सीट्स 4 ही हैं, तो 6P4 से हम डायरेक्टली उन्हें अरेंज कर सकते हैं, बट एक बारी में 4 को ही ले रहे हैं 6 में से, पॉसिबिलिटीज 6 के 6 में से किसी को भी लेने की है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले किसी को भी सकते हैं इसमें से, बट लेंगे कितने वो 4 ही है। तो वैसे ही इस बात का मतलब भी यहाँ पे NPR का मतलब भी ये है कि आपके पास n टोटल पॉसिबिलिटीज है पर आप एक बारी में अरेंज जो कर रहे हो वो r ही कर रहे हो, तो इट इंप्लाइज दैट आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और 7 को अरेंज कर रहे हैं, वैसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स ही 6 हैं, तो 7 को अरेंज कैसे कर दोगे, और उनमें से कुछ भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, नेगेटिव का भी कुछ नहीं होगा, नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि देख फैक्टोरियल बन रहा है, तो फैक्टोरियल बन रहा है तो नेगेटिव तो कभी कुछ आएंगी नहीं चीजें। ओके, बढ़े आगे? यस सर। चलो फिर क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी 4-letter words कैन बी फॉर्म्ड, ऑब्वियसली विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग से फर्क नहीं पड़ता, कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड और वर्ड जो है हमारे पास वो है लॉगरिथम्स।
और रिपीटेशन ऑफ लेटर्स अलाउड नहीं है। तुम बताना चाहते हो आंसर या हम सॉल्व करें? सर फॉर्मूला में डाल देंगे। बिल्कुल सही बात है, 10p4 आंसर हो जाएगा। भाई टोटल 10 लेटर्स हैं, 4 लेटर का कोई भी वर्ड बनाना है, तो दिस इज एक्चुअली वी कैन कंपेयर इट टू द सिचुएशन कि अगर हमारे पास 10 लोग हैं, 4 सीट पर बैठाने हैं, तो भाई कैसे करेंगे? 10p4 से ही करेंगे, एक तरीका। इनफैक्ट वी हैव टू यूज दिस वे ओनली। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है पूरे पीएनसी में, दोबारा सुन लो मेरी बात, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है पूरे पीएनसी में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व ना हो पाए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो हर सवाल को सॉल्व कर ही देगा अगर वो हमें समझ आ जाए अच्छे से तो। बट हाँ ये अलग बात है कि यार अब ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरे को भाई तुमने तो बिल्कुल मतलब लिटरली भी नहीं लेना इस बात को कि अगर इंदौर से गोवा जाना है तो मुंबई से होके ही जाऊंगा। मेरा मतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारा बहुत लंबा वे जा रहा है तो हम इससे ही मतलब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही सॉल्व करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ऐसा हो सकता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमें थोड़ा लंबा जाना पड़ जाए, लंबा रूट लेना पड़ जाए, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाए, तो जरूरी नहीं है आप उससे ही सॉल्व करो। आपके पास एनपीआर और एनसीआर भी है यूज करने के लिए, और उसको यूज करते हुए आप बहुत इजीली क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हो बहुत बार। तो अगर आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो तो बिल्कुल जल्दी करिए। हाँ अगर आपको नहीं आता उससे सॉल्व करना तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो जिंदाबाद है ही हमेशा, वो तो करेगा ही अपना काम। तो अगर मैं उसके हिसाब से भी देखूं तो उसके हिसाब से तो एक है छोटा है क्वेश्चन, तो हमें 4 लेटर कोई भी वर्ड बनाना है जिसके लिए 10 चॉइसेस हैं। बिल्कुल, एंड इफ यू विल कैलकुलेट 10p4 तो 10p4 भी यही आएगा बच्चा। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, तो आंसर इससे भी यही आएगा। अलग अलग नहीं है कोई से कभी आंसर, आई समझ बात? यस सर। अच्छा यही इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बस। हाउ मेनी 10 लेटर वर्ड्स तो क्या होता आंसर? अगर मैं इसी की जगह ये लिख देता हाउ मेनी 10 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स, 10 फैक्टोरियल हो जाता हो तो बिल्कुल सही बात है। अब इसका मतलब समझ, एक और बात, इसके दो मतलब हुए। ये जो मैंने तुझे क्वेश्चन दिया इसको मैंने क्यों दिया, मुझे तुझे दो चीजें याद करानी थी। एक NPN की वैल्यू होती है बालक n फैक्टोरियल, यहाँ पे 10p10 ही तो यूज करा है अभी हमने, 10 ही लेटर थे, 10 के 10 ही अरेंज करने थे, 10p10 को सॉल्व करा, वैल्यू आ गई 10 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। सेकेंड थिंग कि भाई ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि NPN से आपने सॉल्व कर लिया, बट अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको कभी भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो डायरेक्टली उसका फैक्टोरियल कर दो। आपको 10 के 10 लेटर को अरेंज करना था तो अगर आपको मैंने दिया कि भाई n लेटर्स हैं इनको अरेंज करो, कितने तरीके होंगे, n फैक्टोरियल हो जाएंगे जी। तो मैं आपसे बोलता हूं 5 लोग हैं, 5 ही सीट पे बैठाना है, 5 लोग हैं, 5 ही सीट पे बैठाना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल
सेकंड पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एन फैक्टोरियल, जितने भी ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है आपको सीधा उसका फैक्टोरियल कर दो। अच्छा चल, अब मैंने इतनी बात बता दिया तो एक और छोटी सी बात सुन ले, मेरा बहुत इन्फॉर्मेशन देने का मन करता है, मुझे पता है याद नहीं रहेगी बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी समझ ले बस इस बात को, कि एन फैक्टोरियल की डेफिनेशन भी होती है ये। अगर हमसे कोई पूछे कभी कि भाई एन फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिकली, तो एन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसीलिए फैक्टोरियल भी नेगेटिव का नहीं निकल सकता। देखें क्वेश्चन। यस सर। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स how many different signals can be given with five different flags by hoisting any number of them at a time. फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन विथ फाइव डिफरेंट फ्लैग्स बाय होस्टिंग एनी नंबर ऑफ देम एट अ टाइम। तेरे को क्वेश्चन समझ आया क्या है ये क्वेश्चन? थोड़ा थोड़ा। चल मेरे से समझ ले, पहले क्वेश्चन को समझ क्योंकि ये तेरे को करना है सॉल्व। क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि देखिए हमारे पास पांच फ्लैग्स हैं, ठीक है, और हम कोई सिग्नल दे रहे हैं। अब जब सिग्नल दे रहे हैं तो वो कितने भी फ्लैग से दिया जा सकता है, हो सकता है आप पांच में से एक ही फ्लैग यूज करो, हो सकता है आप पांच में से दो फ्लैग यूज करो, हो सकता है पांच में से तीन फ्लैग यूज करो, फोर यूज करो या फाइव के फाइव यूज करो। तो सिग्नल जो है होइस्ट करके देना है हमें फ्लैग को, और फ्लैग कितने भी यूज हो सकते हैं। तो फ्लैग अगर एक यूज होगा तो हमारे पास है पांच फ्लैग, और हमें यूज करना है एक फ्लैग, इन हाउ मेनी वेज कैन आई यूज दैट? 5P1+5P2+5P3+5P4+5P5। बिल्कुल सही बात है। अब देख एक बात और समझ ले, ये एडिशन प्रिंसिपल लगा है यहाँ पे, क्यों लगा है? क्योंकि ये नंबर ऑफ ये जो काम हो रहे थे, हाँ अब देखिए काम हो रहे थे अलग अलग हो रहे हैं, और इसको तो ऐसे रिप्रेजेंट अपनी अगर तू लैंग्वेज में इस चीज को पुट करने की कोशिश करेगी तो यू हैव टू यूज द वर्ड और। यू कैन यूज वन फ्लैग और यू कैन यूज टू फ्लैग्स और यू कैन यूज थ्री फ्लैग्स और यू कैन यूज फोर फ्लैग्स और यू कैन यूज फाइव फ्लैग्स। तो और का जो सिंबल है वो एडिशन है, ये समझ लिया, इंग्लिश और मैथ्स का कोरिलेशन है कि इंग्लिश में जब जब हम और यूज कर रहे होंगे तो मैथ्स उस चीज को एडिशन या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट ऐसी बता मेरे को, लिख विक मत ये यार, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसके। चल लिख लिया, वैसे ये इंपॉर्टेंट है। इट इज रिक्वायर्ड टू सिट, लिख लिया पहले क्वेश्चन हो गया डन? यस सर। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट फाइव मेन, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट फाइव मेन एंड फोर वुमेन इन अ रो, एक रो के अंदर वी हैव टू मेक देम सिट फाइव मैन एंड फोर वुमेन, सो दैट अब कंडीशंस लगनी थोड़ी थोड़ी सी शुरू होगी। जब भी कंडीशन लगेंगी सबसे पहले कंडीशन को फुलफिल करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस।
हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. नाइन सीट्स होंगी क्योंकि नाइन लोग हैं. बिल्कुल. टू फोर सिक्स और एट पे वुमेन बैठेंगी. बिल्कुल. और बाकी पे मेन बैठेंगे. बिल्कुल. तो 4P4 और 5P5. विमेन एंड मेन आपस में अरेंज नहीं हो सकते हैं एक दूसरे के साथ. तो चार बंदियों को अरेंज करने का तरीका है 4 factorial, पांच बंदों को अरेंज करने का तरीका है 5 factorial, और आपस में ये दोनों अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है. बट वी हैव टू मल्टीप्लाई. क्यों? क्योंकि अगर सपोज इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, फिर से मैंने बोला कि देख इनकी चॉइसिस को फिक्स कर दिया कर. विमेन वन यहाँ पे है, मेन वन यहाँ पे है, दैट विल बी अ डिफरेंट केस. और अगर मैं यहाँ पे विमेन टू कर देता हूँ तो उसके लिए जितनी चॉइसिस बनेंगी वो सारी डिफरेंट होंगी. विमेन वन अगर यहाँ पे तो भी कुछ नंबर ऑफ चॉइसिस बनेंगी. विमेन टू अगर यहाँ पे आई तो भी उतनी नंबर ऑफ चॉइसिस और बन जाएंगी. यानी कि मल्टीप्लाई करना चाहिए. 24 into 120 जो भी आएगा. ठीक है जी. चलो फिर अगर हम यहां तक आ गए हैं तो अब हम एक चीज और पढ़ ही लेते हैं. अभी तो हमारे पास है थोड़ा सा टाइम. हो पढ़ना है ना और बता. हाँ हाँ सर. ठीक है चलो फिर. रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशंस. अब क्या होगा कि परमिटेशंस पे भी रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी. रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशंस मतलब क्या है? बताया जाएगा कुछ कुछ कंडीशंस रखी जा सकती हैं, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कि भाई आपको परमिटेशन तो करना है. सही बात है. जो भी आप काम कर रहे हो देखो वो तो करते रहो भाई, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट यार हमारी भी थोड़ी सी कंडीशन सुन लो. अब वो कंडीशन लगाएगा कि हमारा ये मन है कराने का, अगर हमें ये मन होता तो क्या कराएं, और हमें ये मन होगा तो क्या कराएं. अच्छा जी तो सारे मन हमें इसके पूरे करने हैं, बस इसकी इच्छाएं पूरी करनी है. तो पहला केस है जैसे कि वो कभी हमसे बोलेगा कि देखो सपोज आपको पांच लोग हैं, तीन सीट्स दी हुई है, पर यार देखो ये हमारे इंपॉर्टेंट बंदे हैं, ये नेताजी हैं, सीएम है अपने, तो सीएम को तो बैठाना ही है यार. ऐसे सीएम को थोड़ी खड़ा कर दोगे आप. तो एक बंदा हमेशा बैठेगा. वन पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड. पहली कंडीशन ये है. ठीक है. तो अगर हम अरेंजमेंट करने गए एंड वन पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, तो हम कैसे सॉल्व करें? ठीक है. तो चलो एक क्वेश्चन ही देखते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं. अब ऐसे ही दूसरा, अच्छा पहला केस तो ये कि एक बंदा हमेशा इंक्लूड हो सकता है. वैसे दूसरा केस ये है कि एक बंदा कभी इंक्लूड ना हो. अगर एक बंदा कभी इंक्लूड ना हो, डेविन तो अगर हमें एक बंदा हमेशा इंक्लूड करना हो तो क्या करना है, और एक बंदा अगर कभी इंक्लूड ना करना हो तो क्या करना है. दोनों चीजें ये समझनी है वैसे अपन को. ठीक है जी. चलो फिर लिखो क्वेश्चन. हाउ मेनी परमिटेशंस how many permutations can be made out of the letters of the word triangle. How many permutations can be made out of the letters of the word triangle? बता चल पहले मेरे को इसका आंसर दे दे फटाफट से, उसके बाद में कंडीशन. लिखना नहीं है कुछ भी, लिखने वाली कोई चीज नहीं है. लेकिन इसमें ऐसे आंसर निकलेंगे सबके. ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन है. आठ लेटर्स हैं, आठ के आठ को अरेंज करना है. 8P8 तरीके से कर सकते हैं या 8 factorial तरीके से कर सकते हैं. Eight factorial हो जाएगा. ठीक बात है. अब कंडीशन लगाते हैं जरा. हाउ मेनी ऑफ दीज
हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विथ टी, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विथ टी एंड एंड विद ई, ये वाला एंड. वाओ, कैसे करा? दो पोजीशंस तो फिक्स हो गए, तो सिक्स बची, सिक्स पोजीशन में डालने के लिए. बस 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 बस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है. लिख 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 लिख, नेक्स्ट लिख, छोड़ दे इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपन छोड़ दे इसे, कर लियो, लिख लिख लियो बाद में जो भी लिखनी है चीजें. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, अच्छा लिख मत, ये भी चीज मत लिख, हमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं अभी, हमें वर्ड्स बनाने हैं. देख मेरी बात ही सुन ले बस, हमें वर्ड्स बनाने हैं, हमें एक लेटर दिया गया है, सॉरी हमें वर्ड्स बनाने और यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, डॉटर है हमारे पास, और दो कंडीशन दी गई है. सो दैट पहली कंडीशन में वो बोल रहा है जितने भी इसके अंदर वोवेल्स हैं ऑलवेज कम टुगेदर, ये सब एक साथ आए, ठीक है. और सेकंड में बोल रहा है वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, ये बता मेरे को ये आता है? ट्राई कर ले दो मिनट. तो पहले वाले का 3 factorial, which one, first or second? First. पांचवा नहीं, चल अब इसे सीखते हैं एक बारी फटाफट से. ये है बैंड मेथड, ठीक है. अब मैं इसको बोलता हूँ बैंड मेथड, बैंड ऑफ ब्रदर्स वाला बैंड. कैसे बैंड लगाना है तुमको? तो जब भी हमें ये बोला जाएगा कि सारी पर्टिकुलर चीजें एक साथ आनी चाहिए, तो हम एक बैंड लगा देंगे वोवेल्स वाले को एक साथ और नॉन वोवेल्स एक साथ. बिल्कुल सही बात है. अब ये जो जो वोवेल्स आए, ए यू और ई, यहाँ पे वोवेल्स है, तो इसको बैंड लगा दे. बैंड का मतलब ये है, बैंड लगती ये अब एक लेटर हो गया हमारे लिए. तो 3 factorial into 6 factorial हो जाएगा. 3 to 6 और 3 5 to 3 8, 8 से 3 के 5 6, बिल्कुल सही बात है, एकदम राइट, सही है. बैंड मेथड भी आता है तेरे को, तो सेकंड वाला कैसे होना चाहिए बता? सिर्फ टोटल में से ये माइनस कर दो. अरे बहुत अच्छे, अच्छा जी, चलो तो फिर अब हम थोड़ा थोड़े से आगे बढ़ते हैं. ये तो तूने बहुत कर लिया हमारे साथ खेल, है ना? नाइस. अब आसान हो जाएगी हमारे लिए पूरी पीएनसी. चल फिर अब ऐसे ही ये वाला करना है हमें. इन हाउ मेनी वेज, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ बजाय पूरा लिखने के. क्वेश्चन हमारे पास 9 examination papers है, 9 papers है, ठीक है. एंड वी नीड टू अरेंज देम, वी नीड टू अरेंज देम सो दैट, अच्छा बैंड मेथड तभी लगना है जब सार कुछ चीजें हमेशा साथ आए, हमेशा साथ आए, ठीक है, ये ध्यान रखना है. तो भैया जो 9 पेपर है इसमें से कोई सबसे अच्छा पेपर था,
और कोई सबसे बेकार पेपर था, मतलब सबसे इजी था और कोई हार्ड था सबसे, या इजी हार्ड नहीं बोलते इनफैक्ट, इजी और हार्ड से बेस्ट और वर्स्ट पेपर डिसाइड नहीं होता, बट कोई एक सबसे अच्छा पेपर था, कोई एक सबसे बेकार पेपर था, ठीक है। एंड वी हैव टू अरेंज दीज 9 पेपर सो दैट जो बेस्ट न्यूज बेस्ट पेपर है और जो वर्स्ट पेपर है वो कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। ट्राई दिस। बिल्कुल वैसे ही होना जैसे लास्ट क्वेश्चन की है। भाई दो चीजें एक साथ नहीं आनी चाहिए कभी भी, तो पहले तो टोटल निकाल ले और उसमें से वो माइनस करते जब ये दोनों एक साथ हमेशा होंगे। हाँ टोटल 9 फैक्टोरियल। और 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। चल नेक्स्ट बता। फिर से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है पूरा। 5 लड़के हैं, 3 लड़की हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो। ठीक है, 5 लड़के हैं, 3 लड़की हैं, एक रो में बिठाने हैं हमें 8 के 8 लोग। बस कंडीशन सुन, कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टूगेदर, सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टूगेदर, इसको लिख ले चाहे तो, सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। ट्राई कर। बता क्या प्रॉब्लम आई। सर एक क्वेश्चन है, अगर हम अरेंजमेंट बना रहे हैं तो हर बॉय के हर 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल बैठ सकती है। बिल्कुल। तो हमारे पास 4 सीट्स हो गई 3 गर्ल्स के लिए। वाओ बिल्कुल सही बात है। कितने लोग थे, कितने लड़के थे? 5 लड़के थे ना। हाँ ठीक है। 5 लड़के थे बट हम फर्स्ट बॉय से पहले और लास्ट बॉय के बाद भी तो गर्ल्स बिठा सकते हैं, तो फिर उस तरीके से हमारे पास 6 चॉइसेस हो गए। बिल्कुल 6 ही लेनी है और
यही गैप मेथड है जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, देख तेरे सामने गैप मेथड यही है कि जब उसने बोला कि हर चीज के बीच में गैप आना चाहिए, जब वो बोलते हर चीज के बीच में गैप आना चाहिए यानी कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर मतलब हर गर्ल के बाद गैप आना चाहिए, तो आप सबसे पहले दूसरी चीज को अरेंज कर लो। हमारे पास पांच बॉयज थे, B1, B2, B3, B4, B5, हमने ये लिख लिया और इनके बीच के जो गैप्स हैं इन्हें इकट्ठा कर लो भाई, ये टोटल 6 गैप्स हैं, 6 में 3 लड़कियों को अरेंज करना है, 6P3, ये टोटल 5 लड़के हैं, पांचों को अरेंज करना है, 5 फैक्टोरियल। समझ आई तेरे को मेरी बात? Yes, sir. तो गैप मेथड यही है, गैप मेथड दूर कराता है, बैंड मेथड पास लाता है, यही समझना है बस हमें बैंड और गैप मेथड। तो जब जब गैप मेथड लगाना है तो जिसके बीच में गैप्स होना चाहिए उसे बाद में अरेंज करना है, यही एक ऐसा अकेला केस है जिसमें हम कंडीशन को बाद में रखते हैं, अदरवाइज हर बार कंडीशन को पहले ही रखा जाएगा, सबसे पहले कंडीशन पे ही काम होगा। चल नेक्स्ट कर, अरेंज पेंसिल सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। तेरी पीएनसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय द वे, पीएनसी तेरे को आ गई है, पीएनसी के इन फैक्टर को मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आते होंगे जहां तक मुझे अभी समझ आया, बस तेरे को क्वेश्चन और लगाना है, क्वेश्चन का आंसर गलत है तेरा, बट क्यों गलत है मैं ये बताता हूँ। अरेंज पेंसिल सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, अब यहाँ पे एन और ई को आपस में अरेंज नहीं करना है, तूने जो 2 फैक्टोरियल करा है ये तूने क्या करा कि n और e भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, इस बार नहीं हो सकते क्योंकि n हमेशा e के आगे ही रहेगा, n e से पहले नहीं आ सकता, समझ आई बात क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं। ओके ठीक है, यहां पे देख तूने क्या करा, तूने बैंड मेथड लगाया, तूने बोला कि सर ये n और e, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e का तो मतलब ये है कि n और e साथ होने चाहिए, तो इस पर बैंड लगा दिया और ये पकड़े पी सी आई एल, इन चारों को अरेंज करने के तरीके मतलब अब ये टोटल 4 ये प्लस 1 5 हो चुके हैं, तो 5 फैक्टोरियल पूरा टोटल का अरेंजमेंट इनटू 2 फैक्टोरियल एन और ई का अरेंजमेंट, राइट? ऐसे ही करा कि नहीं पहले तो मुझे ये बता। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि यहां पे ना हमारे पास N और E को हम अरेंज नहीं कर सकते आपस में, because N is always next to E, N हमेशा E के बाद में आएगा, N E कभी नहीं होगा, E N नहीं होगा ये हमेशा, तो पेंसिल कैसे भी लिखा हुआ हो P E N C I L या P C E N I L, E और N होंगे तो हमेशा साथ, but N हमेशा आगे होगा E से, तो ये दोनों अरेंज नहीं हो सकते बच्चे आपस में, इसमें सिर्फ 2 फैक्टोरियल लेंगे हम, सिर्फ 5 फैक्टोरियल होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब तुम मेरे हिसाब से तुझे क्या करना चाहिए, देख पहले तो एनसीईआरटी पूरी फिनिश करते, जो भी चीजें बची हैं वो भी मुझे लगता नहीं कि तेरे को उसको फॉर्मूले की कोई दिक्कत होगी, एनसीआर का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है एनसीआर का फॉर्मूला बता, ये होता है, मैं बता देता हूँ कोई दिक्कत नहीं तेरे को, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आते हैं, फॉर्मूले क्यों याद नहीं है तेरे को, मतलब दिस इज सरप्राइजिंग, तूने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं अभी, पता है मेरे को, मतलब मेरे को लग रहा था मुझे सारी से बातें समझानी है, बट तेरे को काफी चीजें पता थी यहाँ पर,
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर डिस्टिंक्ट लेटर्स हो तो हमें अरेंजमेंट करना आ गया, बट सपोज अगर मैं इसका अरेंजमेंट कर रहा हूं तो बताइए जरा कैसे होगा इसका अरेंजमेंट। ये 5 लेटर्स दिए हुए हैं, इसके टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? बोलो फाइव फैक्टोरियल होने चाहिए थे। 5 लेटर्स हैं, हमें पांचों के पांचों अरेंज करने हैं, तो 5 फैक्टोरियल उनका अरेंजमेंट होना चाहिए था जो अभी तक हमने सीखा है उसके हिसाब से। बट अगर हमारे कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर है, तो हम उसके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो वी विल डिवाइड इट बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। बात आई समझ? यस सर। तो चल फिर मेरे को बता नंदिनी के कितने अरेंजमेंट्स होंगे, बता चलो। सेवन फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। बस सही बात है एकदम। तो ये होता है अरेंजमेंट्स ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट्स, या अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, या अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। जब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं, वैसे ही अभी जो हम पहले पढ़ रहे थे वो था अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। तो अब पूरी एनसीईआरटी फिनिश कर सकते हो तुम इससे। और इसके अलावा जो 1, 2, 4 2-3 तरीके के मुश्किल से क्वेश्चन बचे होंगे, अगर तुम कल क्लास लेना चाहते हो तो बता दो ना मेरे को, आधा घंटे के सेशन में हम ये खत्म कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा भी कुछ चीजें पढ़नी हो या सिर्फ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लेना हो एग्जाम का, तो वो भी बता देना किस तरीके का एग्जाम आएगा। ब्लूप्रिंट भेज सकते हो आज मुझे, तो मैं उसमें भी हेल्प कर दूंगा, व्हाट्सएप पर बता दूंगा। अच्छा ब्लूप्रिंट मिला ही नहीं है, ओह दैट्स सैड, बट ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी और हेल्प चाहिए तो वो मेरे को बता सकते हो, कल इन्फॉर्म कर सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पीएनसी के कवर हो जाएंगे, ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो आज हमने करे हैं। परम्यूटेशन से सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के, बस थोड़े से क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के रह गए हैं हमारे, बहुत थोड़े से, 2-4 तरीके के क्वेश्चन, मतलब आधा घंटा, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आधा घंटा